एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए न्यू रीडिंग लेके आई हूं गाइस, और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है आपकी तरफ। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो प्लीज रीडिंग को एंड तक जरूर देखिएगा। जनरल रीडिंग होने वाली है गाइस, सभी जोडिक साइन के लिए होने वाली है, सभी के लिए होने वाली है। तो आप सब आइए, इस रीडिंग में ज्वाइन करिए, एंजल से अपनी गाइडेंस लीजिए। क्या वो आपको बताना चाहते हैं, क्या आपसे कहना चाहते हैं, क्या कुछ होने वाला है आपके फ्यूचर के अंदर उस पर्सन की तरफ से, तो आज हम ये जानने वाले हैं। अगर आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट करे तो प्लीज लाइक कर देना, आपका अपना चैनल गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने एंजल को डिवाइन को थैंक यू बोलिए, रीडिंग को क्लेम करिए गाइस। सो चलिए रीडिंग आपकी स्टार्ट कर लेते हैं गाइस। ओके गाइस, सो प्लीज डिवाइन बताइए, गणपति बाबा प्लीज बताओ इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है इनकी तरफ, क्या वो करने की सोच रहे हैं, प्लीज हमें गाइड करिए। प्लीज बताइए क्या एक्शन होने वाला है उनका नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ, प्लीज गाइड करिए। सन, एस ऑफ वैंड्स, प्लीज बताइए क्या एक्शन होने वाला है उनका मेरे व्यूवर्स की तरफ। ओके, पहला आया था हमारा द सन, एस ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल एंड थ्री ऑफ सोर्ड्स। ओके गाइस, हाई प्रिस्टेस, द वर्ल्ड, टेन ऑफ कप्स, नाइस, हैंगमैन, ओके, एट ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ कप्स। ओके गाइस, ओके, हैरियोफेंट, नाइन ऑफ वैंड्स, लवर्स, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके गाइस, गाइस सबसे पहले मैं अगर आपकी रिलेशनशिप की बात करूं तो आपका रिलेशनशिप में गाइस एक दूसरे के लिए प्यार बहुत ज्यादा रहा है, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स बहुत ज्यादा रही है। पास्ट की एनर्जी की बात हो रही है गाइस यहाँ पे। रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं गाइस देखो, लवर्स का कार्ड आना ये दर्शाता है कि आप बहुत ज्यादा एक दूसरे के लिए कनेक्टेड बहुत ज्यादा थे, दूसरे के लिए डिवोटेड बहुत ज्यादा थे, प्यार बहुत ज्यादा करते थे एक दूसरे से, फीलिंग्स बहुत ज्यादा एक्सचेंज होती थी एक दूसरे के सामने, कुछ भी ना छुपाना एक दूसरे के लिए, मतलब फुल्ली डिवोटेड है ना, कुछ इस तरह की आपकी एनर्जी गाइज रही है। मुझे ये चीज गाइज आपकी लाइफ में नजर आ रही है, एक दूसरे के लिए मतलब दिलो जान से एक दूसरे के लिए चाहत जो होती है वो मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, एक ऐसी एनर्जी आपकी रही है आप दोनों की। और गाइस लेकिन मुझे यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि रिलेशनशिप के अंदर कुछ ना कुछ कहा सुनी बहुत ज्यादा हो गई है, और यहाँ पे एनर्जी क्रैश हुई है गाइस, पास्ट के अंदर आपकी एनर्जी क्रैश हुई है, एक दूसरे के साथ में कह सकते हैं एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेशन थोड़ा सा बिगड़ गया है, आपकी सोच में थोड़ा सा फर्क आ गया, उनकी सोच में थोड़ा फर्क आ गया, जिस वजह से मतलब रिश्ते में थोड़े से कह सकते हैं कि 36 का आंकड़ा क्रिएट हो गया, कुछ इस तरह से कह सकते हैं। इस वजह से गाइज यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, तो एक दूसरे के साथ में एग्री नहीं होना, डिसएग्री वाली, और जब उसको सपोर्ट की जरूरत है तो आप सपोर्ट में नहीं थी, या आपको सपोर्ट की जरूरत है तो वो सपोर्ट में नहीं था, मतलब ये है ना कि जिस समय बंदे की जरूरत थी वो समय बंदा आपके साथ में अवेलेबल नहीं था, या होके भी नहीं था ये भी कह सकती हूँ। तो यहाँ पे ये है कहीं ना कहीं रिश्ते को लेके, आने वाले टाइम को लेके सोचा बहुत ज्यादा गया पास्ट के अंदर कि ऐसे ही रिश्ता चलेगा, क्या चलेगा, कहाँ मैं हूं, क्या है मेरी वैल्यू, कुछ इस तरह से वैल्यू को तलाशा गया गाइस यहाँ पे। तो ये प्रॉब्लम गाइस आप दोनों के एनर्जी की मैं यहाँ पे बात कर रही हूं, तो इस वजह से यहाँ पे दोनों ही तरफ से हुआ है। फिर क्या हुआ, कंफ्यूज हो गए कि अब
क्या करें, ये अपने आप को देखूं या इसको देखूं, किस पे ज्यादा फोकस करा जाए। तो ये चीजें गाइस हुई है इमोशनली, फिर डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा ही हो, जब डिस्टरबेंस आई फिर एनर्जी अपने ऊपर ऊपर आके फोकस हो गई, तो इस वजह से प्रॉब्लम्स गाइस यहाँ पे क्रिएट हुई हैं। तो कहीं ना कहीं एनर्जी बहुत ज्यादा रही है, सेल्फ सेंटर्ड हो जाना ये प्रॉब्लम की यहाँ पे वजह नजर आ रही है। ऑल दो गाइस मुझे यहाँ नजर आ रहा है आपके जो पर्सन है इस समय कहीं ना कहीं अपने जो एक कह सकते हैं उस समय जो एक दर्द वाला जो टाइम था, जो पेन वाला टाइम था, उससे कहीं ना कहीं निकल रहे हैं। आपके जो पर्सन समझ रहे हैं चीजों को इस समय, है ना, एनालाइजिंग एनर्जी बहुत ज्यादा नजर आ रही है, समझ रहे हैं थोड़ा सा, कहते हैं ना एक नया पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे डेवलप होता मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। ऑल द वाइज ये जो पर्सन है मुझे यहाँ पे ऑल एनर्जी मुझे यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट कर रही है, ये जो पर्सन है आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, अब समझने लगे हैं कहाँ मेरी गलती कहाँ उसकी गलती, क्या मुझे ये करना चाहिए था, क्या ये मुझे बोलना चाहिए था, काश मैं उस समय ऐसा नहीं करता तो ऐसा नहीं होता, कुछ इस तरह की सिचुएशन मुझे यहाँ पे नजर आ रही है गाइज आपके पर्सन की तरफ से। ऑल दो किंग किंग की एनर्जी दो बार आई है हमारे पास गाइज, और ये एनर्जी मुझे बता रही है ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को सेट करना चाहते हैं, है ना, सेटल की यहाँ पे एनर्जी नजर आ रही है। अब कहते हैं ना बहुत ज्यादा उस समय जो एक दिमाग पे जुनून सवार था या बहुत ज्यादा गुस्सा सवार था, वो कहीं ना कहीं शांत हो रहा है, वो डाउन हो रहा है, गुस्सा एग्रेशन डाउन हो रहा है, अब चीजों को मतलब एक प्यार से समझा जा रहा है, एक नया पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप हो रहा है, तो कहीं ना कहीं चीजें कहीं ना कहीं गाइस सॉर्ट आउट होती मुझे नजर आ रही है, नई शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। ईगो कहीं ना कहीं गाइस जो बीच में आ रही थी वो ईगो अब डाउन हो रही है, है ना, जो पहले सिर्फ अपने बारे में सोचा जा रहा था वो ईगो गाइज यहाँ पे डाउन हो रही है। तो एक नया प्रोस्पेक्टिव जैसे जैसे डेवलप हो रहा था, ये पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ रहा है, नई अप्रोच के साथ में आगे बढ़ रहा है और शांति शांति की तरह से आगे बढ़ रहा है। बहुत कुछ गाइज यहाँ पे इस पर्सन के दिमाग में चल रहा है मुझे यहाँ पे ये नजर आ रहा है, और ये जो भी है गाइज जितने भी एफर्ट्स है इस पर्सन के दिमाग में समय चल रहे हैं कहीं ना कहीं रिश्ते को दोबारा से अच्छा करने के लिए चल रहे हैं। तो जो भी गाइज लाइफ में उस समय हुआ है कहीं ना कहीं ये चीजें सॉर्ट आउट होती मुझे यहाँ पे नजर आ रही हैं, ठीक है। तो एक दूसरे के लिए फिर से कनेक्शन यहाँ पे फील किया जा रहा है क्योंकि इनको इस पर्सन को इस समय गाइज आपकी जरूरत है मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, ये सपोर्ट्स अपनी लाइफ में फिर से चाहता है, आपका प्यार चाहता है, आपका साथ चाहता है। तो इसे कहीं ना कहीं रियलाइज होने लगा है कि सामने वाला पर्सन भी उतनी ही अहमियत रखता है जितनी मेरी वैल्यू है, है ना। तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू कहीं ना कहीं इक्वल हो रही है, बैलेंस हो रही है। तो जो वो पर्सन को ये गाइज यहाँ पर नजर आने लगा है कि मैं ही इतना ज्यादा अग्रेसिव अगर नहीं होता उस समय तो ये शायद चीजें आराम से चलती रहती, रिलेशनशिप में ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती। ये देखो मैरिड एंड अनमैरिड दोनों के लिए है गाइज मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, तो ये सभी के लाइफ में लिए चल रहा है गाइज कहीं ना कहीं जो भी इस रीडिंग में आए हैं, तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हुआ है कहते हैं जिस वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई है, आर्ग्यूमेंट हुए हैं गाइज यहाँ पे, अपनी अपनी वैल्यू ज्यादा समझना, एक दूसरे को ना समझ पाना या दूसरे के साथ में सपोर्ट में नहीं खड़े हो पाना, कुछ इस तरह से ना, मतलब मेंटल कंफ्लिक्ट यहाँ पे नजर आ रहा है, उन्हीं बातों पे बहस हुई है और इसी वजह से कि आप मुझे नहीं समझते हो, मैं आप मुझे सपोर्ट नहीं करते हो, और दोनों तरफ से हुआ है, तुम मुझे नहीं समझते मैं तुम्हें नहीं समझता, कुछ इस तरह से कि तुम्हें यही लगता है मैं तुम्हें नहीं समझता हूं, तुम्हारे साथ में नहीं हूं, पता नहीं तुम क्या चाहते हो, इस तरह से रहा है कुछ इस तरह से गाइस, है ना, कि मैं आपके लिए बहुत कुछ करता हूँ लेकिन आप उन चीजों को देखते ही नहीं हो, इतना सब कुछ मैंने आपके लिए किया लेकिन आपकी नजरों में नहीं आता है। तो कुछ इस तरह से जब बातें हुई तो कहते हैं ना अपनी ईगो पे आ गई बात और अब ईगो हो रही है डाउन, तो इस वजह से ये पर्सन भी इन चीजों को नए पॉइंट ऑफ व्यू से देखना शुरू कर दिया है और अब चीजें गाइस कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट हो रही है, स्टेबल हो रही है, ईगो डाउन हो रही है, गुस्सा डाउन हो रहा है और नए तरीके से रिश्ते को शुरू किया जा रहा है, अपनी गलती को रियलाइज किया जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये चीजें गाइज निकल के आई हैं। ऑल द गाइज ये पर्सन पहले के मुकाबले काफी ज्यादा कह सकते हो समझदार हो चुका है ना, रिश्ते की वैल्यू समझ में आने लगी है, तो ये यहाँ पे चीजें नजर आ रही है गाइज। अब रिश्ते को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दी जा रही है जहां पे अदर स्टफ को दी जा रही थी, जहां पे सिर्फ कह सकती हूँ कि कुछ लोग पैसे को ज्यादा वैल्यू देते थे या अदर चीजों को ज्यादा वैल्यू देते, अपने करियर को ज्यादा वैल्यू देते थे, लेकिन अब इक्वल यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है टाइम का, इमोशन का, एफर्ट्स का, तो रिश्ते को भी उतनी ही अहमियत दी जा रही है या सामने वाले पर्सन को भी उतनी ही अहमियत दी जा रही है, अपने लेवल का समझा जा रहा है जितना वो खुद अपने आप को समझता है। तो गाइज यहाँ पे ये चीजें नजर आ रही है।
तो दोनों ही कहीं ना कहीं गाइज अपनी अपनी जगह पे एफर्ट्स लगा रहे हो गाइज, और यहाँ पे इक्वल समझा जा रहा है लोगों को, एक दूसरे को, जो पहले एक दूसरे को एक दूसरे से कम समझा जाता था, ये कमजोर समझा जाता था, तो वहां इक्वालिटी आ रही है गाइज। ओके गाइज, तो ओवरऑल गाइज मैटर जो भी है आपका ये सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि वहां पर मुझे सीधे सीधे वर्ल्ड का कार्ड आया है और 10 ऑफ कप्स, यानी अच्छा टाइम आने वाला है, टाइम चेंज हो रहा है, टाइम फ्रेम चेंज हो रहा है, और जैसा आप चाह रहे थे एक अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ में फिर से जीना, वो चीजें यहाँ पे नजर आ रही है, खुशियां नजर आ रही है, प्यार मोहब्बत वाली फीलिंग्स नजर आ रही है, एक दूसरे के लिए सपोर्ट नजर आ रही है, केयर नजर आ रही है। तो ये गाइज ये चीजें मुझे फिर से होती हुई नजर आ रही है कि अपनी फैमिली को टाइम देना, अपने रिलेशनशिप को टाइम देना मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, एक दूसरे को उतनी ही इंपॉर्टेंस देना जितने आप खुद के लिए चाहते हो, ये चीजें गाइज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। सो गाइज ये रीडिंग थी, आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी, अगर हुई है तो प्लीज लाइक कर देना, आपका अपना चैनल गाइज सब्सक्राइब कर लीजिए, और गाइज रीडिंग को क्लेम करिएगा, अपने एंजल को डिवाइन को थैंक यू बोलिए। मैं मिलती हूँ गाइज नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर योर सेल्फ एंड गाइज गॉड ब्लेस, बाय बाय, थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।